केरल के मैं नाम देना नहीं चाहता, दोनों पार्टियों के नेता भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते थे कि नरेंद्र मोदी जी ने केरल के लिए क्या किया। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि 13th फाइनेंस कमीशन के अंदर जो यूपीए सरकार के समय में चला, कांग्रेस के समय में चला, उसमें शेयर इन सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल टैक्स में केरल का शेयर हिस्सा था 33,368 करोड़ रुपया। जरा बोलिए कितना, 33,368 करोड़ रुपया। अब 14th फाइनेंस कमीशन जो नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बना है, उसमें केरल का शेयर है 5 साल के लिए 98,966,000 करोड़ रुपीस ज्यादा दिए। दूसरा ग्रांट इन एक 13th फाइनेंस कमीशन जो कांग्रेस का थी, जिसमें कम्युनिस्ट हिस्सेदार थे, उसमें मिलता था 5,476 करोड़ रुपीस और अब मिलता है 17,968 करोड़ रुपीस। इसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट की ग्रांट यूपीए सरकार ने दी थी बी जीरो नील। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने केरल को रेवेन्यू डेफिसिट की ग्रांट दी है 9,519 करोड़ रुपया। और लोकल बॉडीज ग्रांट जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत, जिला पंचायत के लिए होती है, वो 13th फाइनेंस कमीशन में थी 2,732 करोड़ रुपीस और 14th फाइनेंस कमीशन में है 7,683 करोड़ रुपीस। मित्रों, सिर्फ 70,000 करोड़ रुपीस हमने सेंट्रल ग्रांट के अंदर इजाफा किया है, बढ़ोतरी की है। इसके बाद कोची स्मार्ट सिटी के लिए 194 करोड़ रुपया दिया, 9 अमरूद सिटी के लिए 2,359 करोड़ रुपया दिया, कोची मेट्रो के लिए 1,257 करोड़ रुपया दिया, 3,632 हेक्टर भूमि पर माइक्रो इरिगेशन के लिए 180 करोड़ रुपया दिया, ब्लू रेवोल्यूशन के लिए मछुआरों के लिए 13 करोड़ रुपया दिया, एक डीप वाटर सी पोर्ट के लिए 2,500 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट से दिया, रेलवे के विकास के लिए 3 साल के अंदर 2,500 करोड़ रुपया दिया और सिर्फ हाईवेज के लिए टोटल केरल में 64,000 करोड़ रुपीस दिया। अगर कांग्रेस के विपक्ष के नेता और श्रीमान मुख्यमंत्री जी इसको सुनते हैं तो कान खोल कर सुन ले, 1,50,000 करोड़ रुपया का एक टोटल होता है।